हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3 का पार्ट 3। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 3 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3, क्रैमर्स रूल से किस तरह से दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। इससे पहले भी ऐसे सिमिलर सम हम कर चुके हैं, तो इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसी तरीके को। सबसे पहले लेट करेंगे A1 क्या है, B1 क्या है और C1 क्या है। देखिए, A1 B1 C1, तो A1 इज 6, B1 इज -4 एंड C1 इज -12। सिमिलरली नीचे A2 B2 एंड C2। अब यहाँ हम देखेंगे A2 क्या है। A2 इज 8, B2 इज -3 एंड C2 इज -2। तो इस तरह से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हमें मिलेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम पता करेंगे D के लिए वी हैव अ फॉर्मूला विच इज A1 अपॉन A1 B1 A2 B2। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। A1 की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे 6, A2 की जगह पर 8, B1 की जगह पर -4 और B2 की जगह पर -3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसे 6 × -3 करेंगे, 6 × -3 -4 × 8, तो -4 × 8, तो ये हो जाएगा दोस्तों कुछ इस तरह से। 6 × 3 = 18 प्लस माइनस माइनस, तो -18 माइनस माइनस प्लस, 8 × 4 = 32। अब देखते हैं कितना बचता है। तो यहाँ पर 32 माइनस 18 करूँगा, प्लस की साइन आएगी तो ये कुछ बचेगा 14। ठीक है, अब ये क्या आया मेरा D, ये है हमारा D। अब पता करेंगे dx पता करने के लिए तो A1 और B1 की जगह मुझे C1 C2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर B1 B2 उसी तरह से रहेगा क्योंकि ये जो x वाला था इसके हट जाएंगे और यहाँ पर C1 C2 आ जाएगा। C1 और C2 कितना है, -12 एंड -2, तो -12 -2। और B1 और B2 कितना है, -4 एंड -3। तो देखते हैं इसे हम किस तरह से कर सकते हैं। -12 × -3, तो -12 × -3 माइनस होगा -4 × -2 के साथ, -4 × -2 के साथ। तो करते इसे, इट विल बी 12 × 3 = 36 माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस ऐसे रखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 = 8। जब 32 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 28। तो यहाँ पर dx कितना आया हमारा, 28 आया। अब हम पता करेंगे dy के लिए, यहाँ पर a1 a2 ऐसे ही रहेगा और जो y वाला सेक्शन है वहाँ पर आएगा c1 एंड c2। तो देखिए ज़रा A1 और A2 है क्या। A1 इज 6, A2 इज 8, तो ये होगा 6 upon 6 and 8। C1 और C2 है -12 and -2। ठीक है, अब करते हैं इसे, तो ये होगा 6 × -2 माइनस -12 × 8 -12 × 8। ठीक है, तो 6 × 2 = 12 बट इट इज़ माइनस, प्लस माइनस विल बी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 12 × 8 = 96, तो ये होगा 96। अब जब 96 में से 12 जाएगा तो मेरा dy कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा 84। ये कितना आ जाएगा मेरा, 84 आ जाएगा। तो ये आया हमारा dy, इसको अंडरलाइन करते हैं, ये आया हमारा dx और ये है हमारा d। तो बाय क्रैमर्स रूल x क्या होता है, x इज dx अपॉन d, तो dx कितना है, dx इज 28 एंड d इज 14, तो ये होगा 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28। मतलब x कितना आया हमारा, x आया 2, therefore x इज इक्वल टू 2। अब y के लिए बाय क्रैमर्स रूल y के लिए क्या है, देखिए y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy is how much, it is 84 upon 14, तो 14 × 6 = 84, तो hence we got y is equal to 6। तो इस तरह से x भी आ गया और
वाई भी आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चन और बचे हुए, अब हम वो करने वाले हैं। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 वो कुछ इस तरह से है, 4m plus 6n is equal to 54 and 3m plus 2n is equal to 28। तो सबसे पहले जो हम लेट करते हैं वो करेंगे। तो देखिए लेट a1 is equal to 4, b1 is equal to 6 यहाँ से लिया, एंड c1 is equal to 54। उसी तरह से a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 एंड c2 is equal to 28। बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसमें हम लेते थे। अब एज यूजुअल हम d पता करेंगे। d का फॉर्मूला इज a1 a2 b1 b2। देखिए a1 क्या है फ्रेंड्स, a1 इज 4, a2 इज 3, b1 इज 6, b2 इज 2। ठीक है, अब देखते हैं 4 × 2, तो 4 × 2 माइनस 6 × 3, 4 × 2 = 8 एंड 6 × 3 = 18। तो मेरा यहाँ पर आंसर आएगा -10, है ना। तो हमारा डी कितना आया, डी आया -10। इसको अंडरलाइन कर देते ताकि ये याद रहे। अब डी एक्स पता करते हैं। डी एक्स के लिए एक्स वाली लाइन में c1 c2 डाल देंगे और यहाँ पर b1 b2 इसी तरह से कायम रहेगा। अब देखिए c1 और c2 क्या है, 54 एंड 28। तो 54 28 b1 और b2 है 6 एंड 2। ठीक है, तो 54 2 = 98, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, नो इट्स 105। इट्स तो 54 × 2 माइनस 28 × 6, तो ये हो जाएगा 108 माइनस 6 × 8 = 48, 6 × 2 = 12 प्लस 4 = 16, वो ये हो गया 168 और ये हो गया 108। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -60। तो डी एक्स कितना आया फ्रेंड्स, इट्स -60। अब हम पता करेंगे डी वाई। डी वाई का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, एक्स वाला जो है a1 a2 उसे उसी तरह से लिखेंगे और b1 b2 की जगह हम c1 और c2 लिखेंगे। ठीक है, a1 कितना है देखिए, a1 इज 4 × 3 और यहाँ पर 54 × 28, यहाँ पर आएगा 4 × 3 और यहाँ पर आएगा 54 × 28। देखते हैं अब क्या होता है, 4 × 28 माइनस 54 × 3। देखिए 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8 प्लस 3 = 11, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 प्लस 1 = 16। तो ये कितना आया 50, ये कितना आया फ्रेंड्स 50। therefore dy is how much minus 50, इसे भी अंडरलाइन कर देते हैं। dx है, dy है और d है, बाय क्रैमर्स रूल हम x और y पता कर सकते हैं। तो therefore बाय क्रैमर्स रूल, देखिए क्रैमर्स रूल से क्या हो जाएगा, x is equal to dx upon d, इसका मतलब dx कितना है -60 और d कितना है -10, तो ये 0 0 गया, माइनस माइनस गया, आया 6। देयरफॉर x कितना आया फ्रेंड्स 6 आया। इसी तरह से y करेंगे, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, तो dy कितना है, इट्स -50 और नीचे वापस से -10, तो ये माइनस माइनस कट 0 0 कट और ये आंसर आया 5। हैंस y कितना आया, y आया 5, x आया 6। तो दोस्तों ये था हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं लास्ट सम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2x + 3y = 2, एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 = 1/2। मतलब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर जो c2 है वो भी हाफ है। तो या तो मैं इसे ऐसे ही कर लूँ या तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 2 से ये x मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2x,
माइनस ये टू और ये टू कटेगा, बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 1। तो ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लेट कर सकता हूँ, a1 क्या है, a1 is 2, b1 is 3 and c1 is 2, और यहाँ पर a2 is 2, b2 is minus 1 और c2 is 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एज यूजुअल जैसे हम d पता करते हैं वैसे ही पता करेंगे, a1 a2 b1 b2। a1 कितना है, a1 is 2, a2 भी 2 है, b1 is 3, b1 है minus 1। ठीक है, तो अब ये होगा 2 into minus 1 minus 3 into 2, तो ये हो जाएगा 2 1 2 minus 2 और minus 3 2 6, तो इसका आंसर आएगा minus 8। d कितना आएगा, minus 8। ठीक है, अब करते हैं क्या करते हैं, अब dx पता करते हैं। dx में जो x वाला है वहाँ पर आता है c1 c2 और यहाँ पर b1 b2 उसी तरह रहता है। ठीक है, तो c1 कितना है फ्रेंड्स, c1 is 2, c2 is 1, b1 कितना है, b1 is 3, b2 है minus 1। ओके, तो ये होगा 2 into minus 1 minus 3 into 1, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 minus 3 1 जा 3। अब 2 minus 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा, सॉरी 2 1 जा 2 माइनस 2 एंड माइनस 3, तो ये कुछ इस तरह से होगा माइनस 5। डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5। इसको भी हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। अब पता करते हैं डी वाई। डी वाई के लिए यहाँ पर तो ए वन ए टू रहेगा, लेकिन बी वाले पार्ट में सी वन और सी टू आ जाता है। अब बताइए ए वन कितना, इट्स 2, ए टू भी 2 है, C1 is 2 और ये है कुछ 1, तो देखते क्या होता है, 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, तो ये आएगा फ्रेंड्स कुछ माइनस 2। dy कितना आएगा, माइनस 2। अब बाय क्रैमर्स रूल हम फाइंड कर सकते हैं x और y, तो बाय क्रैमर्स रूल x का फॉर्मूला होगा कुछ इस तरह से, dx अपॉन d। डी एक्स कितना आया दोस्तों, इट्स माइनस 5 और d है माइनस 8, तो ये माइनस माइनस विल बी कट और आंसर आएगा 5 माइनस 8, तो x कितना आएगा 5 अपॉन 8, ये आ गया हमारा x। अब y के लिए बाय क्रैमर्स रूल क्या होता है, dy वाई अपॉन डी, और dy वाई इज माइनस 2 एंड d इज माइनस 8, तो दिस माइनस माइनस विल गेट कट, 2 1 2 2 4 8, इट विल बी 1 अपॉन 4 एंड हेंस द वैल्यू ऑफ y विल कम 1 अपॉन 4। तो दोस्तों ये था इस प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 1.3 का जो प्रैक्टिस सेट था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ये ख़त्म हो गया है। इसके रिस्पांस को देख के हम अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे 1.4, जैसे इसका अगर अच्छा रिस्पांस होगा तो जल्दी से आ जाएगा, वरना वो अपने हिसाब से आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, सबसे पहले तो अगर आपके कोई डाउट्स या सजेशन है तो आप मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में, और अगर आप वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द ऑनलाइन शो साइनिंग ऑफ।